हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आज है सैटरडे एंड अभी शाम के 6:30 हो रहा है, टाइम 6:30 हो रहा है। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं। एक्चुअली मैंने सुना है देवघर में बहुत ही अच्छा डेकोरेशन, सुना है नहीं, लास्ट ईयर भी हुआ था, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन हुआ है। एक्चुअली हम लोग दिवाली के बाद, दिवाली को जो शॉपिंग करने गए थे मार्केट साइड, उसके बाद गए ही नहीं है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उधर, यू नो, एक बार देखने के लिए दिवाली और छठ पूजा का डेकोरेशन वगैरह कैसा हुआ है। तो चलिए गाइस, मैंने सोचा मैं एक ब्लॉग भी बना लेती हूँ, आप लोगों को भी दिखा देती हूँ हमारा देवघर शहर दिखता कैसा है, कितना प्यारा दिखता है। ऑब्वियसली यार, पावा नगरी है तो प्यारा तो दिखना ही है ना। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए मेरे ब्लॉग में एंड तक देखना गाइस। एंड प्लीज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। इधर इतना अंधेरा है बिकॉज बल्ब बंद है, हो गया ना उजाला, तो चलो इसको ऑफ ही करना है। तो चलिए गाइस, वीडियो में बने रहिए और मैं आपको दिखाती हूँ देवघर का डेकोरेशन कैसा हुआ है। ओके, सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं टावर चौक और आप देख सकते हैं इधर भी डेकोरेशन। एक्चुअली अभी इधर का लाइट गया हुआ है तो सारे, यू नो, हर जगह तो ऐसा डेकोरेशन दिख नहीं रहा है। इट्स ऑल बिकॉज अभी लाइट है नहीं, तो बस थोड़ा सा जो ये डेकोरेशन है। और अभी रश भी बहुत ज़्यादा है बिकॉज छठ पूजा आने वाला है ना, इसीलिए सब कोई शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं। और इधर थोड़ा सा ये डेकोरेशन हो गया यार, इतना सा ही डेकोरेशन था। गए हैं दिव्यम की दुकान। एक्चुअली आज ज़्यादा लाइट्स वगैरह नहीं था ना, बिकॉज लाइट ही नहीं था, इसीलिए कोई डेकोरेशन वगैरह मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा नहीं पाई। नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम अगर मैं उधर गई तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। वैसे अभी दिव्यम के दुकान में काफ़ी सारा न्यू कलेक्शन आया, वेट, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो सबसे पहले ये देख लो गाइस, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ एंड गणेश जी, बहुत ही अच्छा प्यारा सा स्टैचू है। एंड आफ्टर दैट ये वाला नेक पीस मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, इनफैक्ट मेरे पास भी ऐसा है। एंड बैंगल कलेक्शन वगैरह आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। इयर रिंग वगैरह बहुत ही प्यारा है यार यहाँ पे। एंड दैट इज़ द बेस्ट वन, गणेश जी का है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। एंड काफ़ी सारा न्यू कलेक्शन आया है यार दिव्यम की दुकान में, तो अगर किसी को आके शॉप करना गाइस, यू कैन कम एंड चेक इट आउट। वैसे भी बहुत ही, रुको यार ये गाड़ी को जाने दो पहले, बहुत ही अच्छा रिजनेबल रेट में ये सब मिल जाता है, सो यू कैन कम एंड शॉप इट आउट। सो गाइज, अभी यहाँ पे चल रहा है फेस्टिवल सेल, तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से प्रोडक्ट में कितना कितना परसेंटेज आपको डिस्काउंट मिलेगा। एंड आफ्टर दैट डिस्क्रिप्शन में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, जैसे कि दिव्यम का नंबर, इनका शॉप का नाम, एड्रेस वगैरह हर एक चीज़ मिल जाएगा। तो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ क्या है यहाँ का स्टार्टिंग प्राइस, एंड आफ्टर दैट मैं सारा चीज़ मैंशन कर दूँगी ताकि यू नो आप लोग यहाँ पर आके शॉप कर सकते हो। सो गाइज, आप यहाँ पे जो क्लचर वगैरह देख रहे हैं ना, ये सब 3 रुपीज़ से स्टार्टिंग है गाइज, कैन यू बिलीव, मतलब 3 रुपीज़ से आपको क्लचर मिल रहा है, वाओ, दिस इज़ जस्ट ऑसम। और ये जितने भी इयरिंग्स आपको दिख रहे हैं ना, सब में आपको 30-40% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि सब आपको जैसे कि 50, 100 और इधर जो है ये सब भी आपको काफ़ी रिजनेबल रेट में मिल जाएगा। वेट मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, सब आपको बहुत ही अच्छे से प्राइस में मिल जाएगा। एंड आफ्टर दैट नेल पॉलिश वगैरह में भी आपको 30-40% ऑफ डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो आप नेक पीस वगैरह देख रहे हैं, इसमें 50% तक डिस्काउंट है गाइस, दैट्स अ ह्यूज डिस्काउंट, 50%, मतलब आप समझ लो बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है। नाउ कमिंग टू लैक्मी प्रोडक्ट, लैक्मी का ये फेस वॉश वगैरह में सब में आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, लैक्मी, पॉन्स, निविया, देन हिमालया। उसके बाद विंटर क्रीम में भी आपको 30-40% डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद डिओड्रेंट वगैरह में भी आपको 30-40% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि बहुत भारी भरकम सेल चल रहा है यहाँ पे।
तो आप आके शॉप आउट कर सकते हो गाइज. एंड गेस व्हाट, लिपस्टिक द बेस्ट पार्ट, मतलब हम लोगों का जो फेवरेट होता है लिपस्टिक, इसमें भी आपको अप टू 50% डिस्काउंट मिलेगा. वाओ, मैं तो अभी बहुत सारा सामान यहाँ से लेने वाली हूँ. इनफैक्ट मैं रेगुलरली यहाँ से बहुत सारा सामान लेती हूँ यार, और बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मुझे मिलता भी है हमेशा, तो आप लोगों को भी मिलेगा गाइज. एंड बैंगल्स, अभी फेस्टिवल सीजन है तो ऑब्वियसली छठ पूजा नज़दीक है, उसके बाद न्यू ईयर, उसके बाद क्रिसमस, तो बैंगल्स वगैरह तो सबको चाहिए होता है ना, तो इसमें भी आपको 30-40% ऑफ डिस्काउंट मिल रहा है. तो गाइज आप लोग आके शॉप आउट कर सकते हो. यहाँ पे बहुत सारे आपको गिफ्ट आइटम भी मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये गणेश जी का जो स्टैचू है काफ़ी सुंदर है, ये भी आपको 40-50% ऑफ डिस्काउंट में मिल जाएगा. तो आप लोग आके यहाँ पे अच्छे से एकदम यू नो बहुत अच्छे से शॉपिंग कर सकते हो गाइज. तो आप लोग आके जल्दी जल्दी आओ एंड ग्रैब द ऑफर गाइज, क्योंकि ये ऑफर आई थिंक बस छठ पूजा तक ही है, छठ पूजा के बाद क्योंकि सारा फेस्टिवल्स वगैरह तो ख़त्म हो जाएंगे ना, तो ये ऑफर भी ख़त्म हो जाएगा. वैसे मैंने अभी 2000 का शॉपिंग किया है यहाँ से दिव्यम की दुकान से, क्योंकि मैं तो यहाँ की रेगुलर कस्टमर हूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा हमेशा यहाँ से शॉपिंग करते रहती हूँ. बट एक्चुअली मुझे कुछ ईयरिंग वगैरह चाहिए था छठ पूजा के लिए, तो मैंने लिया है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल रेट में मिला है. तो गाइस इग्नोर दैट नॉइज पॉल्यूशन, मैं दिव्यम का नंबर और उनका शॉप का एड्रेस वगैरह डाल दूंगी, आप लोग प्लीज़ उनको कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे आके शॉप कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो अपना. बट कोई भी कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा गाइज, प्लीज़ हाँ ये बिल्कुल भी मत करना. सो प्लीज़ कम एंड शॉप इट आउट, बहुत ही अच्छा रिजनेबल रेट में है और ये ऑफर सिर्फ छठ पूजा तक वैलिड है. मैं फिर से बता देती हूँ, ओनली टिल छठ पूजा. तो आप लोग आके यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो गाइज, जिसके लिए भी चाहिए, गर्लफ्रेंड, मम्मी, पापा के लिए नहीं यार, यहाँ पे लेडीज़ आइटम मिलता है, गर्लफ्रेंड, उसके बाद मम्मी, बहन, वाइफ, किसी के लिए भी चाहिए, आप लोग शॉपिंग कर सकते हो. और देखो मैं शॉपिंग कर रही थी, उधर अभी बात कर रहा है, बिकॉज उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे शॉपिंग में. बट कोई नहीं, मैं तो बहुत सारा शॉपिंग कर ली हूँ अराउंड 2000 का, और बहुत ही काफ़ी अच्छा रेट में मुझे मिला, इसीलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी बता दूँ. बिकॉज पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कॉस्मेटिक शॉप का, आप लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था यार, बहुत ही अच्छा लगा. सो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग यहाँ पे भी आओ, अंबिका ब्लॉग्स का नाम लेके अच्छे से शॉपिंग कर सकते हो. ओके तो चलिए अब चलते हैं घर, बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है. एक्चुअली दिव्यम ने मुझे बुलाया था, उन्होंने बोला भाभी आज से ऑफर यहाँ पे सेल चल रहा है, तो मैंने सोचा चलो मैं भी जाके फटाफट से शॉपिंग कर लेती हूँ, बिकॉज फिर छठ पूजा आ रहा है तो हम लोग भी शायद बिजी हो जाएंगे ना, छठ पूजा में गाँव वगैरह जाना है, तो आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी वही होगा. तो आप लोग जल्दी जल्दी से आके यहाँ पे शॉपिंग कर लो गाइस. और आ चुके हैं घर पे, एंड एक्चुअली अभी हम लोगों को आना है लाइव, तो मैं रेडी भी हो चुकी हूँ. क्या होता है ना, बहुत दिन बाद आज मैं लाइव आ रही हूँ यार, मतलब आई थिंक 4-5 या 6 दिन हो गए होंगे, बिकॉज फेस्टिवल था तो ऑब्वियसली बिजी थे. फिर अभी हम लोग थोड़े दिन तक आएंगे, फिर थोड़े दिन 2-3 दिन तो बिजी हो जाएंगे, छठ पूजा है आप लोगों को पता है. वैसे किसके किसके घर में छठ होता है गाइस, आप लोग कमेंट करके बताना ज़रूर. मेरे घर में होता है, मतलब मेरे नानी घर या मतलब मेरी मम्मी के मायके में होता है, तो मैं गैस ऑन कर रही हूँ. तो बस एक्चुअली मैं मिल्क गर्म कर लेती हूँ यार, क्योंकि खाना तो नहीं है, मिल्क पीना है. वैसे लाइन में हम लोग चाय पीते हैं, बट आज चाय पीने का कोई मूड नहीं है, बिकॉज आज बहुत बार चाय हो चुका है. इधर है अपना चोको, जिसे मैं आप लोगों को बहुत दिन बाद मिला रही हूँ. आई थिंक है ना चोको, तो अभी का ठंड तो आ चुका है. वैसे आप लोगों का ठंड आया ना नहीं, आप लोग कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है ना. एंड वेट, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ. ये देख लो गाइस, अभी का सेटअप वीडियो बनाने के लिए. वेट, मैं आपको लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ, ठीक है ना. ये देखो अच्छा लग रहा है, बट मुझे ना पता नहीं क्यों यार थोड़ा फनी लग रहा है. मतलब उन्होंने जैसे रखा ना वॉल पे, देखो मंदिर वाला तो नो डाउट बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बिकॉज वो मंदिर के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है ना. और ये वाला वॉल में उन्होंने जैसे लगाया है ना यार, वाह. आप लोग वैसे कमेंट करके बता सकते हो गाइस कैसा लग रहा है. चलो बहुत ज़्यादा हो गया, लाइट्स ऑन. और एक्चुअली मुझे ज़्यादा फनी लग रहा है, आप लोग ही कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है.
तो चलिएगा, इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं आपसे एक न्यू फ्रेश ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने तो बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, इट इज फ्री, जस्ट प्रेस करो सब्सक्राइब हो जाएगा, पैसे नहीं लगते। और मेरे फेस में बहुत सारे पिंपल्स हो रहे हैं एक्चुअली, मैं अभी फेस वॉश अपना मैंने चेंज किया, अभी मैं लैक्मे का लगा रही हूँ, पता नहीं वो सूट भी कर रहा है ना नहीं कर रहा मेरे ऊपर, आई डोंट नो यार, मेरा फेस इतना ज़्यादा खराब है, सेंसिटिव है, क्या बोलेंगे पता नहीं यार, मुझे तो लगता है खराब ही है, बेकार स्किन है मेरा। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या यार? मेरे साथ तो बहुत बार हो जाता है, अगर मैं थोड़ा सा भी क्रीम या फेस वॉश वगैरह चेंज कर लूँ ना, मतलब मैं हिमालय से लैक्मे में गई, इट्स गुड राइट, मैंने अपना थोड़ा रेंज ऊपर किया यार, बट ये देखो मेरा फेस का हालत तो ऐसे ही हो जाता है यार मेरे साथ, बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी है लाइफ में, कुछ नहीं कर सकते। चलिए गाइस, वीडियो को तो एंड कर ही सकते ना, वीडियो को एंड करते हैं, टिल देन बाय बाय।